तन मन धन से दान करते, जिनके पास धन है वो धन से दान करते हैं, जो धन से नहीं कर सकते वो तन से सेवा कर कर दान करिए, सहयोग करिए। मन से यानी किसी को प्रेरणा दीजिए कि मैं तो नहीं कर सकता, तुम तो कर सकते हो, तुम सेवा करो। तो कोई भी रूप हो पर दान करो, क्योंकि यही पुण्य आपके साथ जाएंगे और कोई आपके साथ नहीं जाने वाला। ये रिश्ते नाते परिवार रिश्तेदार कोई साथ नहीं जाएगा। हर किसी के जीवन में एक ऐसा होता है जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा। उस व्यक्ति के लिए भी जब उसका अंत समय आएगा आप उसके साथ जाना चाहोगे? कोई नहीं। आपका अंत समय आया तो वो आपके साथ चलेगा? तो जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम किया वो भी आपके साथ जीवन भर नहीं रहने वाले। साथ आपके सिर्फ आपके पुण्य आपके अच्छे कार्य जाएंगे। और ये जितने रिश्ते नाते मित्र है ना, सब तभी तक है जब तक आपके पास सुख के दिन है, धन है, नाम है, तब तक सब आपके साथ है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बहुत धनवान, बहुत सहयोग करते, जिसे जो मदद चाहिए वो देते, बहुत नाम था उनका, बड़े पद पर थे। तो सेठ जी की एक बार घर पर उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी, तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। कोई मृत्यु हो जाए बैठक होती है ना, तो उनके घर की जो बिल्ली मरी थी उस पर भी बैठक थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है, जब तक आपके पास सब कुछ है आप लेन देन कर सकते हैं, सब आपके साथ बड़ा रहे। जब कुछ नहीं तो आपके पास कोई नहीं। एक बहुत ही अच्छी कविता मैं हर कथा में गाती हूँ, कविता कहिए गाना कहिए, काफी पुराना, सभी ने सुन रखा होगा यहाँ पर। जब सुना तब इतना ध्यान नहीं दिया, पर आज का जो समय चल रहा है, जैसे लोग हो गए हैं, जैसे रिश्ते हो गए हैं, अब ये कविता उस पर एकदम ठीक बैठती है, एकदम ठीक, एकदम सटीक बैठती है। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बार बार आपको भगवान दुख देकर संकट देकर संतों को भेजकर समझाते रहते हैं कि सही मार्ग कौन सा है, किस मार्ग पर चलना है, और फिर भी हम गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं, गलत कार्य किए जा रहे हैं। तो कहते हैं होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा। और सबसे बड़ा सच, सबसे प्यारा रिश्ता, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
और जैसा मैंने कहा, सुख में, अच्छे वक्त में सब आपके साथ रहते हैं। जब तक आप उनके मन मुताबिक चल रहे हैं, आप उनके काम आ रहे हैं, तब तक वो बड़े आपके साथ अच्छे से रहते हैं। जैसे दुख के दिन आए, थोड़ी सी भी अनबन हुई, आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं, आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि ये मेरा साथ छोड़कर चला जाए। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? यहाँ कितने मानते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जगह से हमें देखता है, सब मानते हैं, फिर भी गलत काम करते हैं। गलत काम इंसान कब करता है? जब वो एकांत में होता है, जब वो ये सोचता है उसे कोई देख नहीं रहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे जब पता है कि भगवान हर जगह, तो भगवान तो देख ही रहा है, तो उन्हें भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्मे वादे प्यार वफा, आते हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा, आते हैं बातों का क्या। तो जितने अच्छे कार्य कर सकते हो कर लो, यही साथ जाएंगे वही साथ रहेगा, और कोई साथ जाने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, सब स्वार्थ में है, संसार में है, फर्ज निभाने हैं, रिश्ता रखना है, पर उम्मीद मत रखो। इतना भी मोह मत रखिए कि जब वो साथ छोड़ दे तो आप जी ना पाए, किसी में मत रखिए। उसमें मोह रखो जो आप अगर उन्हें छोड़ भी दोगे तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जिनको आप चार अपशब्द भी जाकर अगर मंदिर में कह देते हो तब भी वो आपका बुरा नहीं सोचते।